नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के अंदर दो युवकों ने गंगाजल चढ़ाया है। सावन में शनिवार को दो युवक ताजमहल में गंगाजल चढ़ाने पहुंचे। दोनों युवकों ने मुख्य मकबरे में स्थित तहखाने के दरवाजे पर गंगाजल चढ़ाया। युवकों का वीडियो भी सामने आया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने दावा किया है कि तेजो महल्या शिव मंदिर पर गंगाजल चढ़ाया है। इन्होंने गंगाजल चढ़ाते हुए वीडियो बनाकर भी वायरल कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस उपायुक्त सूरज राय ने बताया कि ताजमहल घूमने आए दो युवकों ने बोतल से ताजमहल के अंदर जल गिराया। ये करतूत देखकर CISF ने युवकों को हिरासत में लिया। थाना ताजगंज में दी गई तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आगरा से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। क्या होता सर? देखिए, आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को CISF जो कि ताज महल की अंदर की सुरक्षा देखती है, उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि दो युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बोतल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया। और उस सूचना पर CISF ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। CISF के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवक को के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।